मुलजिम हमजा शहबाज को आगाह किया जाता है कि कानून को हाथ में ना लें, हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए नैब का इकदाम कानूनी है, इस इकदाम को सियासत की नजर ना किया जाए, हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के वारंट हर लिहाज से काबिल अमल है, नैब ने एलामिया जारी कर दिया है। तफसलात जानेंगे हसन रजा से। हसन रजा, नया एलामिया सामने आया है नैब का, तफसलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो कौमी इंसाफ ब्यूरो लाहौर की जानिब से नैब एलामिया जारी किया गया है उसमें कहा गया है हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए नैब का इकदाम कानूनी है, इसको सियासत की नजर ना किया जाए, कानून की नजर में तमाम मुलजमान बराबर है, हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के वारंट कानून के मुताबिक और हर लिहाज से काबिल अमल है। नून लीग के वर्कर्स और गार्ड अपने सियासी रहनुमाओं की आशीर्वाद पर माहौल को खराब कर रहे हैं और कार्य सरकार में मुदाखलत के मुर्तकिब हो रहे हैं। नैब की जानिब से वारंट ऑफ अरेस्ट जो है पर अमल दरामद और मौजूदा सिक्योरिटी हालात के पेश नजर रेंजर्स को तलब करने का फैसला किया गया है। मुजरिम और नैब ने यह भी वाजे किया है कि मुजरिम हमजा शहबाज शरीफ को बाकायदा आगाह किया जाता है कि कानून को हाथ में ना ले और कौमी अदारे से तआवुन करते हुए गिरफ्तारी दे दें। नैब ने बिल्कुल वजाहत कर दिया कि वो जो है तमाम तर जो भी वो काम कर रहे हैं वो कानूनी है, कोई कानून से बाला तर या कानून के खिलाफ वर्जी नहीं है, बल्कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ को फॉलो करते हुए जो है वो इंप्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं। और क्योंकि अब तमाम मुलजमान हैं जिस पर जो करप्शन के इल्जाम हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम हैं, और इन इल्जाम को मद्देनजर रखते हुए पहले भी पुलिस अफसरान को भी गिरफ्तार किया, सियासतदानों को भी गिरफ्तार किया जाता है, तो उनका ये कहना है कि अब भी जो हम हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने जा रहे हैं या इसके लिए इकदाम कर रहे हैं या वहां पर मौजूद हैं, इसको सियासी ना दिया जाए, इसको सियासत की नजर ना किया जाए, बल्कि नैब का इकदाम जो है वो कानूनी है, इसको सियासत की नजर ना किया जाए, नैब के कानून के दायराकार में रहते हुए अपनी गिरफ्तारी दे दें। और उन्होंने बिल्कुल वादा किया है कि वो कानून को हाथ में ना लें और वरना उनको इसके भी जो है असरात भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि कानून के बहुत शुक्रिया।